अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिक सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे भौतिक एवं विज्ञान की अन्य शाखाएं पढ़ेंगे। अब ये भौतिक एवं विज्ञान की अन्य शाखाएं में हम क्या पढ़ेंगे, तो भौतिक क्या है और विज्ञान की अन्य शाखाएं क्या है, तो दोनों को पहले जान लेते हैं। भौतिक, ठीक है, भौतिक की परिभाषा मैंने पहले दे दिया है और विज्ञान को भी मैंने पहले ही बता दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो मैं इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं ना उसको आपको समझाऊंगा। जैसे कि भौतिक को जानते हैं, तो भौतिक क्या होता है, भौतिक जो होता है वो ऊर्जा होता है, द्रव्य होता है। ये क्या है, ये भौतिक है, ठीक है, ये भौतिक क्रियाएं हैं मान लो। और विज्ञानिक, वैज्ञानिक क्रिया मतलब विज्ञान जो है वो क्या है, तो विज्ञान जो होता है वो एक वस्तु के ऊपर अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। अब वस्तु चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। अब सजीव और निर्जीव समझ सकते हो, सजीव और निर्जीव, भाई सजीव में आप गिनती गिनते हो तो वो इंसान भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, और निर्जीव चीज़ें क्या हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, ये निर्जीव चीज़ें हैं, जल भी है, निर्जीव चीज़ें हैं। तो विज्ञान जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं, वस्तु और वस्तुओं का, ठीक है, वस्तु में निर्जीव और सजीव दोनों हो सकते हैं। लेकिन भौतिक जो है वो क्या है, द्रव्य है, ऊर्जा है, ताप है, दाब है, ये क्या है, ये भौतिक चीज़ें हैं। समझ में आ गया, तो चलो अब इतना तो समझ में आ गया ना, अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं, ठीक है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, समस्त वस्तुएं, प्रकृति में जितनी भी समस्त वस्तुएं पाई जाती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं वस्तुओं का द्रव और यही जो वस्तुएं हैं ये द्रव और ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ रहा है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है वो सारे वस्तुएं चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, सजीव हो या निर्जीव हो, द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना होता है या बने होते हैं। इसी का हम अध्ययन करते हैं, यही क्या कहलाएगा, भौतिक और विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक और विज्ञान कहलाएगा। समझ में आ गया ये टॉपिक। अब इसी भौतिक और विज्ञान की शाखाओं को समझने के लिए कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो भौतिक और विज्ञान की शाखाएं कैसे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती है, इसको अब हम देख लेते हैं। तो भौतिक भौतिक जो है, ठीक है, भौतिक का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध देख लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे गणित और भौतिकी, देखेंगे कि गणित का भौतिक के साथ, गणित जो है और भौतिकी है, इसका संबंध कैसे है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे रसायन और भौतिकी का संबंध देखेंगे, तो रसायन विज्ञान और भौतिकी का संबंध कैसे है। इसके बाद देखेंगे हम लोग जीव विज्ञान और भौतिकी का संबंध कैसे है, मतलब इन दोनों का संबंध कैसे हुआ। और एक और है खगोल विज्ञान और भौतिकी का संबंध भी पढ़ेंगे। तो इन चारों टॉपिकों को बारीकी से पढ़ेंगे, इससे प्रश्न भी आते हैं, बस आपको सुनना है और थोड़ा सा समझना है। सुनने के बाद आपको पूरी तरह से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो चलो शुरू करें। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है गणित और भौतिकी। तो गणित और भौतिकी, तो देखो भौतिकी के जो नियम है ना, ठीक है, भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों को, भौतिक में नियम बहुत है, ठीक है, और सिद्धांत भी बहुत है, लेकिन भौतिक के जो नियम और सिद्धांत है उसे हम आसानी से नहीं समझ सकते। तो उसे समझने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो हुआ ना यहाँ पे संबंध, गणित और भौतिकी का संबंध हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। कि गणित और भौतिकी का संबंध कैसे हुआ, कि जो भौतिकी के नियम है और सिद्धांत है उसे हम आसानी से नहीं समझ सकते, तो उसे समझने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो गणित की आवश्यकता होना ही यहाँ पे ये सिद्ध कर रहा है कि गणित और भौतिकी में संबंध है। अब कैसे संबंध हो सकता है, तो देखो रेडियो, यहाँ पे समझो, ठीक है, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है। तो रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, अब इन दोनों को बनाने में गणित का भी उपयोग हुआ है और भौतिकी का भी उपयोग हुआ है। तो गणित और भौतिकी दोनों का अगर यहाँ पे उपयोग हुआ है तो संबंध तो हुआ ना यहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों के साथ संबंध किस प्रकार से है। जैसे कि एग्जांपल में अगर लेते हो रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इनको बनाने में उपयोग हो रहा है दोनों का, भौतिक और गणित का, तो यहाँ पे इन दोनों का संबंध यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। समझ में आ गया। या एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि भौतिक की भाषा जो है वो क्या है, गणित है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया, अगर इससे प्रश्न आता है तो आप बना लोगे, अब बिल्कुल बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न,
सॉरी प्रश्न दूसरा नहीं, टॉपिक दूसरा, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है? रसायन विज्ञान और भौतिकी देखते हैं। अब रसायन विज्ञान और भौतिकी का संबंध कैसे है? तो यहाँ पे देखो, रसायन जो विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान में जो नियम है, ठीक है, रसायन विज्ञान को अगर हम समझना चाहते हैं, एक मिनट ना, रसायन विज्ञान को ही अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें भौतिक के नियम एवं तकनीक का हम उपयोग करेंगे। रसायन विज्ञान को समझने के लिए किसका उपयोग करेंगे? भौतिक के नियम और तकनीक का उपयोग करेंगे, तभी हम रसायन विज्ञान को समझ सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल में, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ परमाणु संरचना का, ठीक है। परमाणु संरचना, परमाणु जानते हो, परमाणु क्या होता है? यूरेनियम के बारे में सुने हो, रेडियम के बारे में सुने हो, ये क्या है? ये परमाणु है ना। परमाणु जो है वो क्या बनाता है? बम बनाता है, ठीक है। परमाणु के बारे में अगर सुने हो तो परमाणु जो है वो बम बनाने का काम करता है, बहुत से काम आते हैं, लेकिन परमाणु को अगर एक तौर पर जानो तो बम बनाने के, तो जो न्यूक्लियर बम है इस तरह से आप सुने होंगे, तो ये क्या है? ये परमाणु है। तो परमाणु समझ में आ गए। तो परमाणु संरचना की खोज जो है ना, वो भौतिक वैज्ञानिकों ने की है। देखो, परमाणु संरचना की खोज किसने की है? भौतिक विज्ञान, मतलब भौतिक वैज्ञानिकों ने की है। और इसे रखा कहाँ गया है? आवर्त सारणी, तो रसायन में रखा गया है ना। आवर्त सारणी किसमें पढ़ते हैं हम लोग? रसायन में पढ़ते हैं। तो इस परमाणु को रखा कहाँ गया है? आवर्त सारणी में। समझ में आ रहा है टॉपिक? परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन उस परमाणु को रखा कहाँ गया है? रसायन में। तो हुआ यहाँ पे संबंध, ठीक है, हुआ ना यहाँ पे संबंध। तो जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की जो व्यवस्था किया गया है, ठीक है, संयोजकता किया गया है, और रासायनिक जो बंध है इनके बारे में भी जानकारी भौतिक के माध्यम से ही हुआ है। किसके माध्यम से? भौतिक के माध्यम से। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रसायन और भौतिक दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब इन दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ पे। ये टॉपिक समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि रसायन विज्ञान की तकनीक का भी उपयोग किया गया है भौतिक के खोज के लिए, कैसे? तो देखो, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की तकनीक का लाभ उठाया गया है किसने? मैडम क्यूरी ने। रसायन विज्ञान के तकनीक से ना, रसायन विज्ञान की तकनीक से मैडम क्यूरी ने खोज किया है। किस चीज का खोज किया है? रेडियम की खोज किया है। और रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व मतलब ये क्या है? भौतिक का क्वेश्चन हो रहा है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो भौतिक में होता है। तो जब मैडम क्यूरी ने रासायनिक के तकनीक का उपयोग करके, ठीक है, रसायन के तकनीक का उपयोग करके रेडियम की खोज किया, और रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, किसका टॉपिक है? और ये भौतिक का है। तो हुआ ना दोनों का यहाँ पे अटैच, एक साथ दोनों का संबंध स्थापित हुआ कि नहीं? हुआ ना, यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, एक दूसरे के साथ संबंध कैसे स्थापित हुआ? जैसे जैसे कि रसायन और भौतिकी, ठीक है, दोनों के साथ ये संबंध स्थापित कर रहा है। हमने दो एग्जाम्पल पढ़ा और दोनों एग्जाम्पल में ये प्रूव कर रहा है। समझ में आ गई ये टॉपिक? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जीव विज्ञान और भौतिकी देख लेते हैं। अब जीव विज्ञान और भौतिकी का संबंध कैसे होगा, इसको भी जान लेते हैं। तो देखो, जीव विज्ञान में भी भौतिकी के नियमों एवं तकनीकों का ही उपयोग किया जाता है। कैसे तकनीकों को उपयोग किया जाता है, नियमों को कैसे उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान में आप लोग देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी, उस सूक्ष्मदर्शी से ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, प्लाज्मा थे प्लाज्मा का से प्लाज्मा सेल देखा जाता है, ठीक है, तो कुछ चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी है वो खुद जीव विज्ञान नहीं बना सकता, तो कौन बनाया है उसके लिए? भौतिक ने बनाया ना। तो भौतिकी के साथ इसका संबंध स्थापित हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, क्योंकि खुद तो जीव विज्ञान ये चीज़ नहीं बना सकता, इसीलिए उन्हें भौतिक की आवश्यकता हुआ। और भौतिक की आवश्यकता हो तो भौतिक ने उन्हें बना के क्या दिया? भौतिक ने उन्हें बना के दिया, सूक्ष्मदर्शी को बना के उन्हें दिया। अब जब सूक्ष्मदर्शी उन्हें बना के दिया, तो सूक्ष्मदर्शी से ये लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की संरचना को आसानी से ये लोग समझ सकते हैं। ब्लड जो टेस्ट करते हैं ये भी क्या है? ब्लड टेस्ट भी उसी से संबंधित है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए भौतिक की आवश्यकता होती है, किसे? जीव विज्ञान को। तो दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इस तरह से इन दोनों का संबंध स्थापित हुआ है। एक और टॉपिक है जीव भौतिकी,
ठीक है, जीव विज्ञान और भौतिकी तो हमने पढ़ा, लेकिन जीव भौतिकी दोनों एक साथ है, तो जीव भौतिकी के साथ संबंध कैसे स्थापित हो रहे हैं? तो देखो, जीव भौतिकी जो है वो अपना खुद का विकास तो कर रहा है, ठीक है, जीव भौतिकी का भी विकास तो हो रहा है। तो जीव भौतिकी जो होता है इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो रक्तचाप, श्वसन और नेत्रों के प्रतिबिंबों के अध्ययन करने के लिए जीव भौतिकी का उपयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है, ये जीव विज्ञान और भौतिकी का टॉपिक है, तो इसमें सिर्फ जीव भौतिकी नाम से इसे संबोधित कर दिया है। चलो आगे देखते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक क्या है? खगोल विज्ञान और भौतिकी देख लेते हैं। अब खगोल का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा खगोल, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी के बाहर। खगोल पिंड सुने हो ना, उल्का पिंड, खगोल पिंड, स्पेस, ये सब स्पेस में पाया जाता है। तो उल्का पिंड कभी गिर गया मान लो पृथ्वी में, तो बहुत तबाही मचा सकता है। तो इस तरह से आपने पिक्चर भी देखा है और पिक्चर देखे होंगे तो उसमें दिखाते भी हैं, ठीक है, तो वही चीज उल्का पिंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया खगोल होता है, खगोल और भौतिकी। तो खगोल और भौतिकी में अब संबंध देख लेते हैं। तो देखो, खगोल विज्ञान को भी समझने के लिए भौतिकी के नियमों एवं तकनीकों का ही उपयोग किया जाता है। अब इसमें भी नियमों और तकनीकों का उपयोग, तो तकनीक तो समझते हैं क्या हो सकता है, दूरबीन हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि भौतिकी के नियमों द्वारा खगोल पिंडों की गति का हम अध्ययन कर सकते हैं। भाई खगोल पिंडों की गति का अध्ययन तो कर सकते हैं ना, किसके माध्यम से? भौतिकी के नियमों द्वारा खगोल पिंडों की गति का अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही साथ भौतिकी यंत्रों जैसे कि प्रकाशी, दूरदर्शी, रेडियो दूरदर्शी की सहायता से खगोल पिंडों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो अध्ययन करने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग कर सकते हैं? भाई दूरदर्शी का उपयोग उपयोग कर सकते हैं, टेलीस्कोप आप जानते हो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का उपयोग करते हैं उसके अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर जाकर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रात के समय टेलीस्कोप को रखेंगे और उसका अध्ययन हम करेंगे। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसे अध्ययन किया जाता है। इन दोनों का भी यहाँ पे संबंध स्थापित हो गया। समझ में आया ये टॉपिक? तो संबंध हमें इसमें पूरे के पूरे टॉपिक में भौतिक और विज्ञान के बारे में संबंध स्थापित करना था, जिसके कुछ टॉपिक को मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे।